आज जब राजकुमार जी सैनी आएंगे और हजारों की संख्या में युवा साथी उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपने अपने गांव में जाकर के अपने भाइयों को मनाने का प्रयास करेंगे तो इन नेताओं के अपने आप हवा निकल जाएगी। मेरे भाई राजपाल यादव जी का ही बहुत बहुत स्वागत। तो मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी, मेरा भाई, मेरा साथी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से परेशान ना करे। हुड़दंगबाजी करने की अपने को जरूरत नहीं है। साथी पीछे मंच पर चढ़े हो, कितने नीचे होकर के आगे आ जाए।
में सुभाष चंद्र बोस जी की पोती, जो महान स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पोती मेरे साथ आई है आपको। लेकिन आप अपनी बहादुरी का उसी तरह का परिचय दें जैसे सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को आजाद कराने में दिया था। सारे वहां जाने के, सारे यहाँ की जय महान डर जाए सारे के साथ। जाएगी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
आने वाले 21 तारीख को आप लोगों ने यहाँ से जाकर के इसी जोश के साथ कोई गली में जाएगा, कोई मोहल्ले में जाएगा और कोई गांव में जाएगा, अगर आपको अपना सम्मान प्यारा है तो खाने मत बैठना। आज से लेकर के सिर्फ आपके पास 4 दिन बचे हैं, इन चार दिनों के अंदर आपने सारा बदलाव करना है, सारे 36 बिरादरी के भाइयों के पास वोट मांगने के लिए जाना है। इन्हीं बातों के साथ हमारे नेता जी के पास भाई कम समय है, बाकी मेरा तो भाई दिल तो बहुत करे, 1 घंटा मैंने बोलना था सारे साहब। आप सभी लोगों का, सभी युवा साथियों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, मेरे बुजुर्गों के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भी है, राम भी है, और क्या चाहिए, विजय तो आप सभी का ही होगा। हम इधर 2 दिन पहले आए थे, एक उम्मीदवार हरिराम सैनी का भैया का चुनाव, आने वाला चुनाव के लिए वोट तय करने के लिए, और आज महसूस हो रहा है कि हम एक विजय विधायक का सेलिब्रेशन में, उत्सव में आई हूँ। 21 अक्टूबर को सारा हरियाणा प्रदेश में भाई ये झंडे नीचे करें, बदलाव आएंगे, जरूर बदलाव आएगा, और सारा भारत वर्ष में सबका साथ सबका विनाश करने वाला जो प्रशासन, जो सरकार, जो पार्टियां है, सब चुप्पी बैठेगा और जनता खोल के मारेगा। क्योंकि बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट, समय चाहिए उसके लिए। मेरे भाइयों, मेरे ऊपर जो असर है वो है महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ होते हुए जंगलों में खाक छान करके इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की छावनियां जब नेस्तनाबूद की, और ऊधम सिंह कंबोज ने 1919 की घटना के बदले जनरल डायर को मारने के लिए 2 साल तक उसके घर में रोटियां पकाई, मार उसे वहां भी सकता था, लेकिन अंग्रेजों को डराने के लिए उसने असेंबली हॉल का रास्ता चुना और इंग्लैंड में जाकर के असेंबली हॉल के अंदर बम मार करके, गोली मार करके उसे मारा, ताकि अंग्रेजों को औकात समझ में आ जाए कि तुम बिल में भी घुस जाओगे, हम बिल में भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस देश की आजादी पर अगर सबसे ज्यादा किसी का असर है तो मेरे भाइयों, इन 2 लोगों ने तो ये दिखाया था अंग्रेजों को, तब अंग्रेजों को डर लगने लगा था। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने जब फांसी के फंदे चुन लिए तब अंग्रेजों को डर लगने लगा था। अंग्रेजों ने पूछा, जब अनेकों लाला लाजपत राय जैसे लोग, मदन लाल ढींगड़ा जैसे लोग, जो लोग इंग्लैंड में जाकर जनरल ह्यूम को मारने के लिए वहां पर जाकर के उनको धराशायी किया, ऐसे लोगों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, जब हमारी विचारधारा हमारी बहन राजेश्वरी चौधरी को कलकत्ता में सुनाई थी, इन्होंने कहीं से मेरा फोन खोजा, फोन खोज करके मेरे पास भाटिया जी, जो कैलाश भाटिया जी, उनको भेजा कि इस व्यक्ति का पता करो ये कौन है। और इन बातों को बहुत लंबी देर में मैं बता पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन उसी दिन से और आज हमारी बहन जी हमारे बीच में है, जिन लोगों को तड़पा, लोगों को इंसाफ दिलाने की, जिन लोगों को आशा है इस बात के, इस सिस्टम को ठीक करने की, मैं आपका प्यार और आपका सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में मित्रों मैं आया हूँ। मेरी आपसे विनती है, अगर मुझे राजनीतिक रूख होती तो मैं 3-3 बार सत्ता ना छोड़ता। बंसी लाल के पास मैंने दलित पिछड़े के ऊपर भेदभाव देखा, जब 10% में 50% कोटे में से 10% लागू नहीं हुआ, हमने सतीपा दे करके उसे हटाया और ओम प्रकाश चौटाला को हमने गद्दी नशीन किया।
लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जब गद्दी में बैठ गए रातों रात 3200 जेबीटी टीचर अपने भर्ती कर दिए, दलित और पिछड़ा और बाकी के किसी भी वर्ग का न ब्राह्मण न बनिया न पंजाबी किसी का भी कोई भी बच्चा एडजस्ट करने की बजाय किसी का 10% किसी का 5% हर हिस्से में कटौती करके अपने लोगों को एडजस्ट किया। इस भेदभाव के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई वहां भी मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय हमने इस्तीफा देकर के अपना पद त्याग करके उसके सामने साथियों हाथ खड़े कर दिए कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने इस्तीफा दिया मेरे भाइयों हमारे ऊपर 8 मुकदमे बने, 8 मुकदमे भी झेले। आज उसी केस में ओम प्रकाश चौटाला और उसका परिवार उसी जेबीटी टीचरों की 3200 की भर्ती के बदले में तिहाड़ जेल में बंद है। जैसा बोया वैसा काट। आज आपके सामने मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं हो रहा, सारी पार्टियां अपने घोषणा पत्र ला रही हैं और घोषणा पत्र ला करके जो फूल उड़ रहे हैं वो हमें फूल उड़ाते फिर रहे हैं, वो समझ रहे हैं सारे गोपी के फूल हैं, इन पर जो भी बकवास करना करके चले जाओ और इनको फूल बनाओ। फूल का मतलब होता है मुड़ उड़ाना। मेरे भाइयों जिस प्रकार से कांग्रेस हमें थप्पड़ से कभी जूते से हमारे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ लेकिन उसके टेंडवे पे जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमें नोचा उसी प्रकार से आज बीजेपी भी उसी रास्ते पर है, क्योंकि लोग तो वही हैं जो परे चादर बिछा रहे थे आज उन्होंने चादर आकर के प्लेटफॉर्म बीजेपी के ऊपर बिछाई हुई है, लोग वही हैं। मेरी आपसे विनती है जिन लोगों ने हरियाणा के अंदर इतनी गुंडागर्दी होने के बाद भी एक शब्द मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री ने बोला, जो वही भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बोया अपने लोगों को झूठे कागज बना करके आरक्षण की लिस्ट में डाल दिया, मांग मत करो। जो जो बीजेपी पीछे हटती गई लोग सर पे चढ़ते गए और जाकर के विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर ने उनको आज भी वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है उनको आरक्षण दिया और आपके सामने 15-15 लाख रुपए मुआवजा एक एक सरकारी नौकरी थी सारे केस वापस लिए। और मेरे भाइयों आज मैंने हाई कोर्ट में जाकर के उस बात की पटीशन डाल करके मेरे पास वो पेपर थे गाड़ी में वो मैं पेपर रोज दिखाता हूं। मैंने कहा किस जात की जनसंख्या कितनी है, सरकारी नौकरी उसके पास कितनी है, कम से कम सरकार आरक्षण किसी को भी दे पर ये तो बताया कि इस जात की संख्या कितनी नौकरी कितनी। साथियों जिनके 5 मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे भजन लाल बंसीलाल देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला भूपिंदर सिंह हुड्डा, हमें किसी जाति से विरोध नहीं, हमें मुख्यमंत्रियों से विरोध है जो एक ही समाज से 5 मुख्यमंत्री भजन लाल अपनी जाति छुपा करके नॉन जाट दिखाता रहा अपने आप को। हमें क्या जाट से कोई दिक्कत थोड़ी थी लेकिन बिश्नोई बढ़ करके अपने आप को पेश किया। बिश्नोई तो एक पंथ है मेरे भाइयों। मेरी आपसे विनती अगर भजन लाल की उड्डा की चौटाला की अगर जाति अलग अलग है तो वो बताएं जनता में आके, लेकिन मेरी आप सब साथियों से विनती है कि 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने 10% लोगों को 55% नौकरी दे रखी है 55% और बाकी के 90% लोगों के पास सिर्फ 45% नौकरी बची और उन 90% लोगों में 75% एससी और पीसी के लोग हैं जिन पे मात्र खेड़ी दमकल में 4 बच्चों की बाजुआ तोड़ के और 2.5 घंटे तक अगले दिन प्रोग्राम था कि आहड़ा कला में 2.5 घंटे तक रोक कर रखा। आप लोगों को पता नहीं मेरे भाइयों जान ना थैली पर रख करके पूरा घर आपने निछावर कर दिया, पूरा कारोबार निछावर कर दिया, सारी राजनीति आपने निछावर कर दी। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं 3 साल पहले भी आया फिर 2 साल पहले भी आया और आज फिर आपके बीच में हूँ। हरिराम आपका एमसी नहीं आपके दुख सुख का साझी रहा, आप इसे वोट देकर के एक बार हमें ताकत है हम इसको मंत्री में बढ़ा के लाएंगे और आपके जन जन के बच्चे का हर घर में एक बच्चे को नौकरी देकर दिखाएंगे जो कर दे रहे हैं।
लुटेरों को अगर आपने मुझे एक बार हरियाणा का मौका दे दिया, पूरे हिंदुस्तान को हरियाणा से सबक सिखा दूंगा कि 70 साल पहले देश कहां से शुरू होना चाहिए था। हर घर में एक नौकरी, हर घर में एक नौकरी, किसान मजदूर की इकट्ठी रोजगार नीति, 65% आबादी है किसान और मजदूर, 300 रुपए जैसे विदेशों में देते हैं किसान सरकार, छोटे किसान और मजदूरों का सरकार से और बाकी के जहां काम करेंगे वहां से मिलेंगे। जब मजदूर की दाढ़ी 600 रुपए हो जाएगी, 18,000 रुपए मिलने की, साथियों किसी के 35 किलो दाना के लिए हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को दर्द नहीं आया, चाहे हमारे गुजर भाई हैं और चाहे हमारे वाल्मीकि भाई हैं, रसोड़ा कांड, रामायण कांड, बुधारा कांड, सतनाली कांड, मिर्चपुर कांड, कितने कांड गिनाऊं साथियों। एक घंटा अगर आप चाहे मैं आपको गुंडागर्दी की यादें करा सकता हूं, लेकिन मैं यहां गुंडागर्दी की याद ताजा कराने नहीं, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। आप